आप सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु की आराधना स्तुति को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। वो पवित्र आत्मा जो शिष्यों पर उतरा, आज आप पर और हम मुझ पर, हम सब पर प्रभु का आत्मा उतर आए। आज हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उड़ेलूँगा। तो आज प्रभु का आत्मा हम पर उतर आए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मन को, हृदय को खोलें, पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आत्मा हम में भर जाए, प्रभु का अभिषेक हम में भर जाए। जब पवित्र आत्मा आएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रभु की सामर्थ्य हमें मिलेगी। जब पवित्र आत्मा आएगा, सब कुछ नया बना देगा। तो आइए इस समय हम पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपना हृदय प्रभु के लिए खोलें, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु के अभिषेक से भर जाएं। बड़े उत्साह और खुशी के साथ पवित्र आत्मा में लीन होकर आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करें। तो आइए इस समय हम गीत में शामिल हो जाएं। पवित्र अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, बड़ी भक्ति के साथ पवित्र आत्मा उतरा। ताली बजाते हुए के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे
तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में।
दोनों के समय बंद रखें, प्रभु की महान उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है उनका आदर करें, प्रभु के आत्मा को अपने दिल में बुलाएं, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा उतर आइए मेरे जीवन में, उतर आइए पवित्र आत्मा मेरे परिवार पर, उतर आइए पवित्र आत्मा मुझे नया बनाइए, पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। जैसे शिष्यों पर आज के दिन आप पवित्र आत्मा उतरे, जैसे आप पौलुस के ऊपर उतरे, जैसे आप पेत्रुस के ऊपर उतर आए, जैसे आप यहोन के ऊपर उतर आए, जैसे आप एलिया नबी पर उतर आए, जैसे आप यशायाह नबी पर उतर आए, एलीशा नबी पर उतर आए, यर्मिया पर उतर आए, पवित्र आत्मा दानियल पर आप उतर आए, वैसे ही मुझ पर उतर आइए। जैसे आपने दाऊद का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा आज मेरा अभिषेक कीजिए, मेरी घर की वस्तुओं का अभिषेक कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मुझे अपना सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अपनी शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे नया बनाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे और जवान भविष्यवाणियां करेंगे। हे पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर उतर आइए, इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर उतर आइए, इस समय जो प्रार्थना में जुड़े हैं उन पर उतर आइए, इस समय जो आपके लिए प्यासे हैं उन पर उतर आइए, जो आपके लिए तरसते हुए पवित्र आत्मा उतर आइए। हे प्रभु आपका वचन कहता है तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ, हे प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हमारी प्यास को बुझाइए, हम तेरे लिए प्यासे हैं पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए, जैसे आप शिष्यों पर उतरे, शिष्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, शिष्य आत्मा से भर गए, वो शिष्य जो यीशु की मृत्यु के बाद मेरे भाई और बहन यहूदियों से डरे हुए थे, भयभीत थे, एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक कमरे में बंद होकर स्तुति कर रहे थे और प्रभु का
आत्मा अग्नि के रूप में जीवों में विभाजित होकर एक एक पर ठहर गया। आज वही आत्मा आप पर उतर आए, आज वही आत्मा की शक्ति आपको छुए, आज वही आत्मा आपके परिवार में उतर आए, आत्मा की आग आपको छुए, आत्मा की आग से आज भर जाए। वो शिष्य जो निडर होकर आत्मा के भरने से, आत्मा का अभिषेक मिलने से, जो डर के मारे बनते बाहर निकले और प्रभु के लिए साक्ष्य बन गए, भाषाएं बोलने लगे, असंभव बात संभव हो गई। आज वही बातें जो आज हमारे जीवन में असंभव हैं, हम नहीं कर पा रहे, हम दुखी हैं, बीमारी हमारे जीवन से नहीं जा रही, हम संकट में, संकट नहीं जा रहा, आज प्रभु का आत्मा मेरे भाई आपको छुएगा, मेरी बहन आज प्रभु की आत्मा आप पर उतर आएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आता है तो स्वतंत्रता मिलती है, पवित्र आत्मा आता है तो आजादी मिलती है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। जैसे पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, पवित्र आत्मा उतर आया, उनके बंधन खुल गए, उनकी बेड़ियां टूट गई, वो आजाद हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। वही आत्मा आज आपको स्वतंत्र करेगा, वही आत्मा आज आपको आजाद करेगा। उसके लिए प्यासे हो, उसके लिए प्रार्थना करें, उससे मांगे, कहें प्रभु मुझे आपका आत्मा चाहिए, मुझे आज और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा आत्मा चाहिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके लिए प्यासा हूँ, मैं आपके लिए ललाहित हूँ। पवित्र आत्मा मेरी प्यास को बुझाइए, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे शिष्य आपके बिना अधूरे थे। प्रभु का वचन बताता है कि जब प्रभु ने इस संसार की सृष्टि की तो इस संसार, ये पूरी दुनिया उजाड़ पड़ी थी, और वचन बताता है सागर पर प्रभु का आत्मा विचरता था, यानी कि पवित्र आत्मा पहले से ही विद्यमान है। पवित्र आत्मा जल के ऊपर, सागर के ऊपर विचरता था, संसार की सृष्टि से पहले ही प्रभु का आत्मा है। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, प्रभु के आत्मा के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई, आपको और मुझे बनाया गया। वही आत्मा की आज मेरे भाई मुझे और आपको जरूरत है, वही आत्मा की आपको और मुझे जरूरत है। वही पवित्र आत्मा को आज पिता से मांगे, जब वो आएगा असंभव संभव बन जाएगा। जब वो पवित्र आत्मा पर उतरेगा आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में, प्रभु जब आएगा सब कुछ बदल जाएगा। प्रार्थना करें आज, प्रभु से कहें, प्रभु मैं बस आपके आत्मा के लिए प्यासा हूं, आज मुझे तेरा आत्मा चाहिए, आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। यीशु से आग्रह करें, विनती करें, क्योंकि वचन बताता है पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। कहे पिता मुझे तेरा आत्मा दीजिए, वचन बताता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज मांगिए, आज पवित्र आत्मा को मांगिए, पिता आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा है, उसका वादा झूठा नहीं है, उसका वादा सत्य है। उसने स्वयं कहा मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उडेलूंगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके लिए तरसिए, ललायित होइए। प्रभु का वादा है, मांगो दिया जाएगा, मांगिए वो देगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा
हमें सामर्थ्य मिलेगी, पवित्र आत्मा आएगा हमें आजादी मिलेगी, पवित्र आत्मा आएगा हम स्वतंत्र हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आ जाएगा हमें सब कुछ सिखला देगा, पवित्र आत्मा आएगा हमें किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सहायक है। जैसी वो सहायता करेगा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई दूसरी शक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकती जैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाएं इस समय, अपना हृदय उसके लिए खोलें, अपनी आवाज उसके लिए उठाएं, अपने आप को उसके लिए समर्पित करें, उसके लिए तड़पें, समर्पित करें, कहें पवित्र आत्मा आइए, उतर आइए, मांगे इस समय, मांगे इस समय, मांगते जाएं, कहें प्रभु मुझे तेरा आत्मा दे, प्रभु मुझे तेरा आत्मा दे, प्रभु मुझे तेरा आत्मा दे, जय प्रभु मुझे तेरा आत्मा दे। वो पौलुस जिस पर प्रभु का आत्मा उतरा, पहले वो साउल था, प्रभु की कलीसिया को सताता था, प्रभु के लोगों को मारता था, पीटता था, उन पर अत्याचार करता था, जैसे ही उस पर पवित्र आत्मा उतर आया मेरे भाई, वो उसका जीवन बदल गया। प्रभु का आत्मा उस पर उतरा, प्रभु की दिव्य शक्ति ने उसको छुआ, वो बदल गया, बदल गया, प्रभु के लिए मरने को तैयार हो गया, प्रभु के प्रचार करने लगा, प्रभु के लिए साक्षी बन गया। प्रभु का आत्मा ऐसा है, सब कुछ नया बना देता है, सब कुछ नया बना देता है, जब वो आता है परिवर्तन होता है। आज आपका जीवन परिवर्तित होगा, आज दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकल जाएंगी, आज गरीबी आपके जीवन से हट जाएगी, आज बेरोजगारी आपके जीवन से हट जाएगी, आज निसंतानपन आपके जीवन से दूर होगा, आज रसोड़ियां यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा नष्ट हो जाएंगी, आज सब कुछ बदलेगा। मांगिए, मांगिए पवित्र आत्मा को, मांगिए पवित्र आत्मा को, मांगिए, वो आत्मा आप पर उतरेगा। मांगिए समय, हाथ उठा के मांग ले बंदे, यीशु
मैं दोनों आंखें बंद करते हुए हाथ खुला रखें। इस समय हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा के लिए हम प्यासे होते हुए वचन को सुनने के लिए भी प्यासे हो जाएं। प्रभु का वचन हमें छुएगा, प्रभु के वचन की शक्ति हमें स्पर्श करेगी। जो कुछ हमारे अंदर खालीपन है, अधूरापन है, आज वचन की शक्ति के द्वारा भर जाएगा। प्रभु का वचन आपके अंदर प्रवेश करेगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। प्रभु का वचन आपके अंदर जाएगा, प्रभु की आशीष आप पर उतरेगी, प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा। आपके जीवन में आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। प्रभु का वचन आपके अंदर आएगा, बीमारी निकल के बाहर जाएगी, डिप्रेशन बाहर जाएगा। आज उस आत्मा का स्वागत करें, कहें पवित्र आत्मा आइए, मुझे वचन को सिखाइए, मुझे वचन को समझाइए, मुझे वचन को सिखाइए। वचन में छिपे हुए भेद, वचन में छिपी हुई गहराई मुझे बताइए। आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाइयों बहन, प्रभु का वचन यौन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में हमसे कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का वादा है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का वादा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेगा। ये उस प्रभु का वादा है, प्रभु ने कहा है। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, तुम्हें जीवन मिलेगा, नया जीवन। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम सबको बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा हमारे ऊपर उड़ेला गया है। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य नहीं करता, तो इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा वो हमारे अंदर सक्रिय रूप से कार्य करेगा। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आएगा, हमारा जीवन परिवर्तित होगा। जब पवित्र आत्मा आता है तो असंभव कार्य संभव हो जाते हैं।
जैसे हम देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 20 में गैब्रियल दूत को मां मरियम के पास भेजा गया संदेश लेकर कि आप एक पुत्र को जन्म देंगी, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। इस बात से वो डर गई, घबरा गई, विचलित हो गई, भयभीत हो गई, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई पुरुष से संबंध नहीं है। ये बात सुनकर वो डर गई, घबरा गई, लेकिन प्रभु का ईश्वर का दूत गैब्रियल उनसे कहता है, आप घबराइए मत, आप डरिए मत, बल्कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होंगे। यानी कि असंभव कार्य था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मां पर उतरा, मां मरियम पर उतर आया, असंभव कार्य उनके जीवन में संभव हुआ। प्रभु यीशु मां के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा धारण किया और उन्होंने उन्हें जन्म दिया। असंभव बात थी, संभव हो गई। यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 16 से पढ़े 25 में लिखा है, पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, वहां पर वो स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वचन बताता है कि बंदी गृह की नींव हिल गई, उनकी बेड़ियां टूट गईं, उनके बंधन खुल गए। यानी कि मेरे प्रिय भाई और बहन, जब पवित्र आत्मा आता है असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 4 हम देखें, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब शिष्यों पर उतर आया, जो डरे हुए थे, भयभीत थे, उनके अंदर का डर निकल गया और अन्य भाषाएं जो असंभव बात थी उनके जीवन में संभव हो गई और प्रभु के वचन को वो सुनाने लगे। जिन लोगों से वे डरते थे उन लोगों के सामने जाकर प्रभु के लिए वो साक्ष्य बने। यह है पवित्र आत्मा जब आता है सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम में से भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा, क्या होगा, हमारे जीवन से बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान का वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब कुछ आपके जीवन में कर डालेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26, परंतु वे सहायक, वे पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। आज हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे वचन को पढ़ें, कैसे पारिवारिक जीवन जिए, कैसे हमारी समस्या से बाहर निकलें, कैसे बंधनों से हम आजाद हों। लेकिन प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो आत्मा जब आएगा आपका जीवन बदलेगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी, आपका कार्य करने का ढंग बदल जाएगा, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, आपकी संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका पति जो शराब पीता है बदल जाएगा, आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा है पवित्र आत्मा आएगा बदल जाएगा, परिवार में शांति आ जाएगी। यूदस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में कहता है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रिय भाई, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उस घड़ी आएगा हमारी सहायता करेगा।
ऐसी घड़ी जब कोई भी हमें दिखाई नहीं देगा मदद करने वाला, जब हमारी लगेगा कि सब हमारे विरोध में है, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तब पवित्र आत्मा आएगा। जब आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा आएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको सिखलाएगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज पवित्र आत्मा आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आएगा। पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है? यीशु की भी जब परीक्षा ली गई, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 और 3 में हम देखते हैं, 1 से 13 में, जब शत्रु शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली, प्रभु के पास आया, प्रभु ने उपवास किया 40 दिन और 40 रात, उनको भूख लगी। उसने सोचा कि जब इंसान को भूख लगती है, उसने वो यीशु को लालच दिया कि इन पत्थरों से कहिए रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उन्होंने शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त की पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वचन बताता है 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले गया और उनकी परीक्षा की गई। वहां पर उस परीक्षा में सफलता पवित्र आत्मा ने उनके साथ रहकर उन्हें दिलाई। कैसे शत्रु शैतान से लड़ना है, कैसे उसके बाणों को तोड़ना है, कैसे उसके आक्रमण से विजय पानी है, यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर विजय पाई। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी शत्रु शैतान जो बाण चलता है, मेरे भाई मेरी बहन, जो तीर हम पर चलता है, जो प्रलोभन हमें देता है, जो लालच हमें देता है, पवित्र आत्मा ही है जो आपको इस शैतान से विजय दिलाएगा, उस पर जीत दिलाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्माओं पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि वचन बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28:12-28, वहां पर लिखा है, परंतु यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता, परंतु मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं। प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा निकाला। इस संसार की, समस्त संसार की सृष्टि हुई, जो आज इस संसार में आप देखते हैं, कितना संसार, हरियाली, सूरज, चांद, सितारे, जंगली पशु पक्षियां, जानवर, जो कुछ इस सृष्टि में है, जो सौंदर्य आप देखते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं, कितना खूबसूरत है, कैसा सुंदर है, कैसे हो गया, ये सब पवित्र आत्मा ने संसार की सृष्टि की। पवित्र आत्मा के द्वारा संसार की सृष्टि की गई, क्योंकि वचन बताता है संसार की सृष्टि से पहले सागर पर पवित्र आत्मा मंडराता था, विचरता था, यानी कि संसार की सृष्टि से पहले पवित्र आत्मा विद्यमान था। यह है पवित्र आत्मा की शक्ति, यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है, नया जीवन। यदि हम चाहें हम अपने परिवार को बदल डालेंगे, यदि आप सोचे मैं अपने परिवार को बदल दूंगा, मेरे बच्चों को बदल दूंगा, मेरी पत्नी को बदल दूंगा, मेरा पति शराब पीता है बदल दूंगा, असंभव है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा आपको उनको नहीं छुएगा, उनको स्पर्श नहीं करेगा, नहीं बदल सकते, क्योंकि वचन कहता है एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37:14, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा, नया जीवन आएगा, पति बदल जाएगा, जो झगड़ा करता है नशा करता है बदल जाएगा, जो पत्नी झगड़ा करती है नशा करती है बदल जाएगी, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते बदल जाएंगे,
क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, बदल डालेगा। जैसे पौलुस को बदल दिया, प्रभु बदल देगा। प्रभु बदलने वाला है, आत्मा बदलने वाला है। पवित्र आत्मा सब कुछ करने में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। बस समय उसे पिता से मांगना पड़ेगा, पिता से मांगना पड़ेगा। क्योंकि वचन बताता है लूकस अध्याय 11 वाक्य 13 में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यहोन 14 वाक्य 34 में कहता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा प्रदान करता है ईश्वर, जब वो देता है और कहता मांगने वालों को क्यों नहीं देगा, मांगिए वो देगा, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। वो आपको भरपूर रीति से आपको अपने अभिषेक से भर देगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा। वचन बताता है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38 वहां पर लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों के लिए क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करेंगे। आप पश्चाताप करें और यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, यह उसका वादा है। क्योंकि लूकस अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में लिखा है, ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया, उसे ग्रहण करने के पश्चात वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। वाक्य 22 बताता है, पवित्र आत्मा का पौध जैसे शरीर के रूप में उन पर उतर आया। पवित्र आत्मा ने कपोत के रूप में शरीर धारण करके यीशु के ऊपर उतर आया। पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि वचन बताता है प्रेरित अध्याय 4 वाक्य 31 में, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन हिल गया जहां वह एकत्रित थे, सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आज आपको प्रभु के साथ बैठना होगा, मांगना होगा, प्रार्थना करनी होगी, पश्चाताप करना होगा, उसके लिए प्यासे होना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा ये जो असंभव कार्य, जैसे इस संसार में हम देखते हैं असंभव हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हो जाते हैं, वही कार्य मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु आपके जीवन में सफल बनाएगा। पवित्र आत्मा आकर के सब कुछ पूरा कर देगा, जो कुछ अधूरा है आज पूरा होगा। आज आप विश्वास कीजिए, आज आपका जीवन बदलेगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका परिवार बदलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आ रहा है। मांगिए इस समय, पश्चाताप कीजिए इस समय, विश्वास कीजिए इस समय, प्रार्थना कीजिए इस समय, उसके लिए प्यासे होइए, उसको अपने आप को समर्पण कीजिए, उसका अधिकार आप पर होने दीजिए, आएगा पवित्र आत्मा, आएगा पवित्र आत्मा, आएगा पवित्र आत्मा। आइए इस समय में हम अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, आंखें बंद करें, हाथों को खुला रखें और प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय हमने प्रभु आपका वचन सुना, धन्यवाद प्रभु आपके वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, आपका संदेश हमें देने के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे ये वचन की शक्ति मेरे जीवन में परिवार में पूरी हो, जैसे तूने वादा किया पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पिता मैं इन सब तेरे बेटे और बेटियों के लिए आपसे पवित्र आत्मा मांगता हूँ, इन सबको तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का ताजा नया अभिषेक दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। मेरे भाई और बहन मांगे इस समय, कहे प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, जैसे पौलुस को तूने भरा, जैसे पेत्रुस को तूने भरा, यहोन को भरा, जैसे आपने यर्मिया इसाइस को पवित्र आत्मा से भरा, एलिया एलिशा को भरा, एजेकेल को भरा, दानियल को भरा, दाऊद को भरा, वही आत्मा की दुगनी शक्ति, वही पवित्र आत्मा का दुगना सामर्थ्य मेरे प्रभु तेरे इन बेटे और बेटियों पर आज के दिन उतर आए। इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरे, विश्वास कीजिए। प्रभु इन्हें प्रार्थना करना सिखा, प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा के साथ जीना सिखा, तेरे वचन को पढ़ने की शक्ति दे,
तेरे साथ जीने की शक्ति दे। प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तू इन्हें जिन्होंने निसंतान है, 18 साल से संतान नहीं है प्रभु, उन्हें संतान का वरदान दे, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, संतान का वरदान दे प्रभु। बहन जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो मध्य प्रदेश से है, डिप्रेशन में बहुत दुखी है, परेशान है, उन्हें छुटकारा दे, आजादी दे, स्वतंत्र कर प्रभु। तू आज छू, तेरे आत्मा से उन्हें भर, ताकि तेरा आत्मा कर उन्हें स्वतंत्र करे, आजाद करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आपको पवित्र आत्मा आजाद कर रहे हैं, उनके लिए प्यासे हुई है, समर्पित कीजिए अपना सब कुछ, अपना सब कुछ समर्पित कीजिए, बच्चों को समर्पित कीजिए। इस समय जो बच्चे आपका कहना नहीं मानते, अपने उन परिवार के लोगों को समर्पित कीजिए, जो आपके परिवार के लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको आदर सम्मान नहीं देते, आपका आपका जो हिस्सा बनता है नहीं देते, आपका जो स्थान बनता है उस स्थान की इज्जत नहीं देते, आपकी जो नौकरी नहीं मिल रही है, समर्पित कीजिए प्रभु से। आपके माता पिता आपको प्यार नहीं करते, बच्चे माता पिता से प्यार नहीं करते, इस समय समर्पित कीजिए पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा इन सबको आकर के बदले। पवित्र आत्मा सब शरीरधारियों पर आज के दिन उतर आए, प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करें, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो, यीशु के लिए हम खड़े हो बोलने के लिए। पवित्र आत्मा हमें चुने, पवित्र आत्मा सभी सेवक और सेविकाओं पर उतर आए, पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करे, समस्त संसार में पवित्र आत्मा मंडराए, प्रार्थना करें इस समय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है मेरे प्रिय भाई और बहन। इस समय प्रभु का वचन आपने सुना, पवित्र आत्मा के लिए आपने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा आप पर उतर आए हैं, आपका परिवार नया बन गया है, आपके बच्चे नए बन गए हैं, आपकी परिस्थिति नई बन गई है, बीमारियां आपके जीवन से चली गई हैं, आपके नौकरियों में बिजनेस में आपको आशीष मिली है, तरक्की मिली है, उन्नति मिली है, सब कुछ बदल गया है। प्रभु को धन्यवाद दें इस समय, पवित्र आत्मा के वरदान आपको मिले हैं, धन्यवाद दें, कहें प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय हम धन्यवाद देते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हम एक गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, एक बार और धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, वो जीवन मिल जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अंगीकार करते हुए हम जो है प्रभु की स्तुति करेंगे एक बार। सुख गए खुदा, बंधन टूट गए, जीवन मिलता मिलता आशीष भरी।
मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हमें नया जीवन मिला है, बरकत प्रभु की है, हम पर आई है, आशीष हम पर ठहरी है, बंधन टूट गए हैं, हमारे जो गम हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, आंसू भी हमारे सूख गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज हमारे जीवन में प्रवेश किया है। पवित्र आत्मा हम पर आज उतरा है, विश्वास कीजिए। इस समय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए और अपने निवेदन, अपने प्रार्थनाओं को भेजने के लिए, गवाहियाँ भेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपसे अनुरोध करूँगा मेरे प्रिय भाई और बहन, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, जितने भी आपके फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट हैं, जिनको आप जानते हैं उनके पास इस प्रार्थना को भेजिए, ताकि वो भी इस प्रार्थना को सुने, प्रभु की आशीष पाएं, प्रभु के वचन से जानकारी उनको मिले, उनके जीवन में भी बरकत और आशीष ठहरे, पवित्र आत्मा उनको भी मिले। यदि आप में से जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों को भी ये हमारा चैनल भेजिए, प्रार्थना भेजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए। हम और हमारा परिवार, हम मिलकर आप लोगों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन, प्रार्थनाओं के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के लिए प्यासे होइए, प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार, आपके जीवन पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। और हमारी ये जो प्रार्थना है, प्रतिदिन हर रोज रात को 8:30 बजे आपको देखने मिलेगी हमारे चैनल पर, पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल। आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, फ़ोन अपना नंबर भेज सकते हैं, हम लिंक आपको भेज देंगे, नहीं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक दिन प्रार्थना मिल जाएगी। यदि हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए, हम आपका मैसेज देख के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।